से झारखंड का प्रतीक चिन्ह बदल गया है। अब झारखंड का प्रतीक चिन्ह चौकोर नहीं बल्कि गोलाकार होगा। नए लोगों को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलकर इसका अनावरण किया है। इस मौके पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री समेत झारखंड के कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए कार्यक्रम में ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था। वहीं कार्यक्रम में विपक्ष से भी कोई नेता नजर नहीं आया। बहरहाल नए प्रतीक चिन्ह को लेकर राज्यपाल ने कहा कि पुराने प्रतीक चिन्ह में झारखंड के समग्रता पूरी तरह नहीं झलकती थी। इस नए प्रतीक चिन्ह में अशोक चक्र, पलाश के फूल, हाथी और हरे रंग का उपयोग किया गया है। प्रतीक चिन्ह चक्राकार है, इसके कई बेहतरीन मायने हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने नए प्रतीक चिन्ह के लिए राज्यवासियों को बधाई दी है। नए प्रतीक चिन्ह को झारखंड के समग्रता का प्रतीक बताया है। कार्यक्रम में शिबू सोरेन समेत गणमान्य अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट भी किया गया है। इस राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। जैसे कि आपने देखा, इस राज्य की राज्यपाल महोदया ने अपने हाथों से इस राज्य के चिन्ह का लोकार्पण किया। पूर्व की जो राज्य के चिन्ह था उसमें जो बदलाव हुए हैं वो आपके सामने है। आज इस चक्राकार प्रतीक चिन्ह में राज्य के संस्कृति, समृद्धि, यहाँ की परंपरा, यहाँ की इस राज्य के हर कोने का प्रतिनिधित्व करता हुआ आपको दिखेगा। आज चूंकि ये प्रतीक चिन्ह राज्य का एक ऐसी पहचान या ऐसी ताज कही जा सकती है जिसको देखने के बाद अपने आप में गौरव महसूस के इसको उकेरा गया है। कुल मिलाकर के ये संपूर्ण राज्य के संस्कृति, उन्नयन, इनका आचार विचार सारे चीज को दर्शाता है और ये बहुत ही उचित है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी नवीन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, लोगो बदल गया है लेकिन क्या अब झारखंड की किस्मत और झारखंड बदलता हुआ नजर आएगा, विकास की राह पर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा? निश्चित रूप से झारखंड का लोगो जरूर बदल गया है। सबसे बड़ी बात की मुख्यमंत्री ने आज जो अनावरण किया लोगो का, उसके बाद इस लोगो जो प्रतीक चिन्ह के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की उन्होंने। इस लोगों में क्या खासियत होगी ये तमाम चीजों का जिक्र किया। देखिए, राज्यपाल ने भी अपने संबोधन में कहा है कि ये जो लोगो है ये पूरे झारखंड का प्रतीक है। मुख्यमंत्री इस लोगों को लेकर के उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड का प्रतिनिधित्व करता है ये लोगो। लेकिन इसके पहले का जो लोगो था, चौकोर लोगो था, इसमें कहना था कि उस लोगो में दिक्कत ये थी कि वो पूरे झारखंड को प्रस्तुत नहीं करता, पूरे झारखंड को रिप्रेजेंट नहीं करता था। ऐसे में वर्तमान में जो लोगो आया है ये लोगो पूरे झारखंड का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें तमाम तरह की झारखंड की संस्कृति, झारखंड का जो एक कल्चर है उसका, ये तमाम तरह की झारखंड की जो प्रमुखता है उस चीज को दर्शाया गया है। एक समग्र झारखंड की प्रस्तुति इस लोगो के अंदर है। देखिए, इससे झारखंड के विकास का क्या ताल्लुकात है, अगर आप इसके झारखंड के विकास के ताल्लुकात को समझेंगे तो लोगो से झारखंड या किसी भी राज्य के विकास का कोई संबंध नहीं होता। हाँ, एक जो कह सकते हैं कि मानसिक रूप से कह सकते हैं कि जो झारखंड के जो लोग हैं या फिर जो ये राज्य है, इस राज्य की पूरी समग्रता को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये लोगो प्रस्तुत करता है। एक आत्मविश्वास इस लोगो से झलकता है कि झारखंड की जो है अखंडता, झारखंड की जो संस्कृति, झारखंड का जो कल्चर की मजबूती जो है वो जरूर इस लोगो के सर पर जो है दिखाई देती है और ये दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल नवीन, जाहिर तौर पर एक लोगो का इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए गए कि
कि सिर्फ लोगो बदलने से नहीं झारखंड में विकास को आगे बढ़ाना होगा, लेकिन इस बीच नवीन ये भी समझना चाहेंगे कि इस लोगो में शामिल किए गए सफेद हाथी को लेकर भी विवाद हुआ। देखिए सफेद हाथी आप कह सकते हैं कि सफेद हाथी को लेकर के जिस तरीके से विपक्षी तमाम लोग जो सवाल उठा रहे हैं, एक तरफ आप सफेद हाथी को कह सकते हैं कि एक झूठा सपना जो कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी तरफ अगर सफेद हाथी को आप देखें तो सफेद हाथी एक सादगी का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है। तो आप सफेद हाथी के दो मतलब को निकालिए, सफेद जो चिन्ह है सफेद हाथी आप कह सकते हैं कि सादगी का शांति का प्रतीक, और दूसरी तरफ देखिए हाथी दरअसल एक को जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने विस्तार से हाथी के बारे में चर्चा की, उन्होंने कहा कि लोगों में जो हाथी का उपयोग किया गया है, हाथी एक ऐसा जानवर है जो बहुत मजबूत और बहुत हिम्मत रखता है, एक विशालकाय जानवर है, लेकिन वो अपने शांत विचार के लिए भी जाना जाता है। अब उसकी जो स्वभाव है वो एक शांत स्वभाव, जब तक आप हाथी को छेड़ेंगे नहीं तब तक वो उग्र नहीं होगा। बिल्कुल, तो यही इस संदर्भ में झारखंड के संदर्भ में इस बात को रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के लोग को कहीं ना कहीं प्रस्तुत करने की कोशिश की गई कि झारखंड के लोग कहीं ना कहीं एक मजबूत पूरे देश में एक मजबूत स्थान रखते हैं, शक्तिशाली स्थान रखते हैं। नवीन एक बहुत छोटा सा सवाल, विपक्ष के ना पहुंचने की, विपक्ष के किसी भी नेता के ना पहुंचने की क्या वजह मानी जा रही है? देखिए हालांकि सरकार की तरफ से निश्चित तौर से विपक्ष को निमंत्रण तो जरूर गया होगा, क्योंकि ये एक राजकीय कार्यक्रम था और राजकीय कार्यक्रम में पक्ष और विपक्ष नहीं देखा जाता है। और आज झारखंड के लिए एक बड़ा दिन था, क्योंकि लोगों किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी आप ये पूरे राज्य के लोगों का होता है, पूरे राज्य का सीधा संबंध जो है तमाम लोग, चाहे वो विपक्ष के हों पक्ष के हों जो भी लोग, तो कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की गई होगी। हालांकि कोरोना काल को देखते हुए बहुत कम लोगों को बुलाया गया था, निश्चित तौर पे विपक्ष को भी बुलाया गया होगा, लेकिन उनके पहुंचने का कारण जो है नहीं, पहुंचने का क्या कारण है अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर किन कारणों से विपक्ष नहीं पहुंचा, क्या कुछ वजह थी उसके पीछे। लेकिन देखिए इसको लेकर के सरकार पर अब सवाल जरूर, क्योंकि राजकीय कार्यक्रम में विपक्ष का कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचता है, यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष तो खैर अभी बनाए नहीं गए हैं, लेकिन जिनको विधायक दल के तौर पर जिनको चुना गया है विधायक दल के नेता के तौर पे, उनको कार्यक्रम में शरीक होना चाहिए था। खैर कोरोना को देखते हुए वो शरीक नहीं हुए, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ऑलरेडी जो है उनके घर में कोरोना की पुष्टि हुई थी, दो तीन लोगों को कोरोना था। इसके अलावा दीपक प्रकाश जो है वो क्वारंटीन चल रहे हैं, तो ये तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन मुख्य वजह क्या है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। बिल्कुल, जाहिर तौर पर राज्य को नया लोगो मिला है और पुराने लोगो को बदल कर नया लोगो आज से इसका अनावरण कर दिया गया है, और ऐसे में कई खास चीजें इसमें हैं। राज्य की संस्कृति को दिखाया गया है, राज्य के उस पलाश के फूल को दिखाया गया है जो बेहद महत्वपूर्ण है, और तमाम चीजों का इसमें जिक्र किया गया है।